नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। पाठ्यक्रम के परे भाषा के अंतर्गत ये हमारे बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का चतुर्थ प्रश्न पत्र है। और इस चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है द्वितीय, जो कि भाषा विकास को लेकर है, इस द्वितीय इकाई जो भाषा विकास में समाहित है, इस भाषा विकास की जो प्रक्रिया के अंतर्गत हम जिस प्रकरण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह प्रकरण है विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास। साथियों, इससे पूर्व की वीडियो व्याख्यानों में भी हमने इस के बारे में अध्ययन किया है। और इसी अध्ययन के दौरान हमने इस बात को भी जाना कि भाषाई विकास जो होता है विभिन्न अवस्थाओं में चार भागों में विभाजित किया गया है। और इन चार भागों में सबसे जो प्रथम अवस्था है वो है प्रारंभिक अवस्था, या हम उसे शैशवावस्था भी कहते हैं। और उसके पश्चात जो अवस्था आती है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो कि 13 वर्ष के बाल्यावस्था जो 7 वर्ष से लेकर 6 वर्ष से लेकर और 12 वर्ष तक आती है। और जो उसके बाद जो अवस्था है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो बालक की आयु के 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु धारण करने तक की मानी जाती है। उसके उपरांत हमने इन बातों पर अध्ययन किया कि इन अवस्थाओं के दौरान भाषा विकास की प्रक्रियाओं में हम भाषा विकास के अर्जन को किन किन विशेषताओं के आधार पर ग्रहण कर सकते हैं। और आज हम जिस शिक्षण बिंदु को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो शिक्षण बिंदु है किशोरावस्था, युवावस्था में भाषा विकास की प्रक्रिया। युवावस्था जो कि 18 वर्ष के बाद की अवस्था है, तो युवावस्था में भाषा विकास किस प्रकार से होता है और इस अवस्था में आकर बालक में किस प्रकार की भाषा के प्रति किस प्रकार की मतलब उसमें रुचि जागृत रहती है, या भाषा के विकास के प्रति उसमें किस प्रकार के जो आयाम स्थापित होते हैं, या भाषा विकास के दौरान उसमें कौन कौन सी जो संवेग हैं, मनोवृत्तियां हैं, या फिर उन भाषा के प्रति उसकी जो एक तटस्थता है वो किस प्रकार से रहती है। तो आइए हम पढ़ते हैं अपने इस प्रकरण के विषय में और आज के विषय में मुख्य शिक्षण बिंदु के बारे में जानते हैं कि हम युवावस्था में भाषा विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे जो प्रथम बिंदु के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है कि युवावस्था में बालक उच्च स्तरीय भाषा का ज्ञान ग्रहण करता है। क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा कि जब किशोरावस्था में बालक होता है, जब वो 11वीं व 12वीं कक्षा पास करने के बाद वो उच्च स्तरीय शिक्षा में अध्ययन या कॉलेज शिक्षा में अपना प्रविष्ट होता है और वहां पर जाकर वो साहित्य से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की भाषा से जुड़ी हुई साहित्य की उस अथाह सागर में उतरने का प्रयास करता है, तो वहां पर उसे कवि लेखकों या फिर अन्य बहुत सारी साहित्य से जुड़ी हुई सामग्री उसे पढ़ने को मिलती है। और उस साहित्य से उसमें और भी लेखकों ने उस बारे में लिखा है, तो उसे कई सारा जो पठन सामग्री उसको वहां पर मिलती है। तो उससे न केवल उसके साहित्य संबंधी ज्ञान में वृद्धि होती है बल्कि उसका भाषाई ज्ञान भी एक विपुल होता जाता है। उसके बाद में जो अगला बिंदु जो है यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि इस स्तर पर पहुंचकर वह भाषाई कौशल में भाषाई कौशलों में दक्ष हो चुका होता है। मतलब इस स्तर पे जो बालक पहुंच जाता है तो वो अपने भाषाई जो कौशल हैं, भाषा की जो भी कौशल हैं, उन सभी कौशलों में वो एक दक्ष हो चुका होता है, एक पारंगत हो चुका होता है। साहित्य के प्रति उसकी जिज्ञासा उत्कंठा में परिवर्तित हो जाती है। साथियों, जब वो बालक किशोरावस्था में होता है, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक अवस्था में होता है, तो वो कक्षा 11 में आकर जब अपने विषय का या अपने संकाय का चयन करता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जब उसे साहित्य की मुख्य मुख्य या बातों को या गद्य पद्य की विधाओं के माध्यम से उसे अध्ययन या पाठ्यक्रम में पुस्तकों का समावेश किया जाता है,
तो वो उसे पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती हैं। वहाँ प्रेमचंद की कहानियाँ, महादेवी वर्मा के संस्मरण, कबीर के साहित्य की जुड़ी हुई साखियाँ, या फिर रहीम के सवैये दोहे, या रसखान के सवैयों के बारे में बताया जाता है, तो वो उनको पढ़कर उसमें रुचि जागृत होती है अगली कक्षा के बारे में जानने के लिए। लेकिन जब वो इन सबको पढ़कर जब आगे की कक्षा में जानना चाहता है कि इन्होंने और क्या लिखा है, किस पर अपनी लेखनी चलाई है, या उन्होंने कौन कौन सी विधाओं पर अपना स्वतंत्र लेखन किया है, तो उसे जब वो उच्च स्तरीय शिक्षण में प्रविष्ट होने के बाद में या कॉलेज शिक्षा में प्रवेश होने के बाद में उसे उन चीज़ों को जानने का अवसर प्राप्त होता है, तो उसकी जो जिज्ञासा उसमें उस कक्षा 11वीं व 12वीं के स्तर पर जब उसकी वो कह सकते हैं कि जो जिज्ञासा थी, वो जानने की जो इच्छा थी, वो इच्छा अब उसकी उत्कंठा बन जाती है। उत्कंठा मतलब उसको उसका बस उसको उसको ज्ञान उसको चाहिए, इस बारे में उसे जानना है किस प्रकार से जाने और कौन कौन से स्रोतों से, कौन कौन से ग्रंथों से, कौन से अभिलेखों से, या फिर ऐसे कौन कौन सी जो प्रमाणिक सामग्रियां हैं उनके माध्यम से अपनी उस उत्कंठा के विषय में एक प्रमाणिक ज्ञान को प्राप्त कर सके। उसके बाद में साथियों अगला बिंदु जो यहाँ पर है वो ये कहता है कि वह नवीनतम साहित्य का अनुशीलन, नवीनतम शैलियों के अभ्यास में रुचि लेने लगता है। साथियों इस बिंदु के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि वो नवीनतम साहित्य का अनुशीलन करता है। नवीनतम साहित्य का अनुशीलन इसलिए करता है साथियों कि जब बालक उच्च स्तरीय शिक्षा में अध्ययन करने जाता है तो वहाँ की लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर पढ़ाने वाले उच्च स्तरीय मतलब जो योग्यताओं को धारण किए हुए, शैक्षिक योग्यताओं को धारण किए हुए व्याख्याता, प्रोफेसर या आचार्य जो उन्हें पढ़ाते हैं, उनके सान्निध्य में रहकर उन ग्रंथों का, उस विषय से जुड़ी हुई सामग्री का अध्ययन करता है एवं उनसे जुड़ी हुई प्रमाणिक अभिलेखों के बारे में जानकारी हासिल करता है, तो ये कह सकते हैं कि उसे उन नवीन साहित्य का अनुशीलन करने लगता है। वहाँ पर उसे नवीनतम साहित्य पढ़ने का मौका मिलता है और उन साहित्य के दौरान उसे कई जो प्रमाणिक रासो ग्रंथ हैं या फिर उसमें जुड़ी हुई कुछ ब्रज भाषा से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, या फिर उसमें अवधी भाषा की रचनाएं हैं, या फिर राजस्थानी से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, डिंगल पिंगल से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, इन तमाम सारी रचनाओं के बारे में उसे जानकारी हासिल वहाँ पर होती है, तो वो अनेक प्रकार की साहित्य के प्रति अपना अनुशीलन करने लगता है और इन अनुशीलन के दौरान वे नवीनतम शैलियों के बारे में भी जानकारी हासिल करता है, जैसे डिंगल पिंगल की शैली किस प्रकार है, या फिर रासो ग्रंथ की शैली किस प्रकार है, या फिर वीर रस के काव्यों की शैली किस प्रकार है, हम मुक्तक छंद के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी शैली किस प्रकार से है, तो उन तमाम सारी शैलियों की जानकारी वहाँ पर हासिल करता है, या फिर राजस्थानी काव्य में जो शैली है वो कौन सी शैली है, तो उन तमाम सारी शैलियों के बारे में वहां पर वो अध्ययन करता है और उनको पढ़ने समझने और वे अर्थ जानने के लिए उनके अभ्यास भी करता है। साथियों उसके बाद जो अगला बिंदु है वो कहता है कि वह पाठ्य पुस्तकों की सीमा से परे जाकर पाठ्येतर साहित्य का स्वाध्याय कर अपने अध्ययन एवं ज्ञान को विस्तार रूप प्रदान करता है। साथियों इस बिंदु के माध्यम से ये समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि जब बालक में जब उच्च स्तरीय शिक्षण की तरफ वो उन्मुख होता है तो उस दौरान वे अपनी पाठ्य पुस्तकों के जो अतिरिक्त जो पाठ्य पुस्तकों के इतर हैं, जो पाठ्यक्रम में शामिल तो नहीं है लेकिन उसके आसपास की जानकारी को वो देती हैं, तो पाठ्यत्र सामग्री में जाकर उसमें जुड़ी हुई उन बातों को ग्रहण करता है और साथ में पाठ्य की इतर जो अन्य सामग्री है साहित्य जुड़ी उनमें जो जानकारी है उसे हासिल करता है, उस ज्ञान को ग्रहण करता है और स्वाध्याय, इससे उसके स्वाध्याय करने की जो रुचि जागृत होती है, स्वाध्याय के प्रति उसकी जो एक श्रद्धा होती है वो जागृत होती है और स्वयं एक स्वाध्याय करने लग जाता है और वे अपने अध्ययन एवं ज्ञान को विस्तार रूप प्रदान करता है। इस प्रकार से वह अपने विस्तार एवं ज्ञान को एक विस्तार रूप प्रदान करता है और उस पाठ्यत्र सामग्री के विषय में पढ़कर। वस्तुतः
वस्तुतः इस स्तर पर बालक का उद्देश्य भाषा पर पूर्ण अधिकार करना होता है। जब साथियों बालक जब उच्च स्तरीय शिक्षण के में जब प्रवेश करता है तो उसका केवल और केवल मकसद वही होता है कि मैं अपने विषय का ज्ञाता बनूं, मेरे विषय में मैं अधिक से अधिक प्रमाणिक जानकारी एवं स्रोतों को पढ़कर उनके बारे में जानकारी को हासिल करूं। तो साथियों वहां पर वो भाषा की उच्च स्तरीय ज्ञान को हासिल करने के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहता है। तो साथियों आज के वीडियो व्याख्यान में हमने जो पढ़ा है कि युवावस्था में किस प्रकार से भाषा के अर्जन की प्रक्रिया जागृत होती है। तो साथियों आज की वीडियो व्याख्यान में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।